PF5, ओके। एंड इसके रिस्पेक्ट में मैंने दो बॉन्ड्स लिए, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ओके। अब दिस इज मान लो एक्सियल एंड दिस इज इक्वाटोरियल, दिस इज इक्वाटोरियल एंड दिस इज एक्सियल। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो हमारा ट्राइंगल है इसमें ये वाला इक्वाटोरियल बॉन्ड्स है सारे, है ना। तो अगर ये बेरिसियड रोटेट करता है तो इक्वाटोरियल एक्सियल में एंड एक्सियल इक्वाटोरियल में इंटर कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसा होने से क्या होता है, मैं इस वाली एफ को एज सच रख रही हूँ, तो ये हमारा फॉस्फोरस है, उसके रिस्पेक्ट में ऐसा कुछ चेक कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे हमारा इक्वाटोरियल आ जाता है, यहाँ पे एक जेल आ जाता है, सिमिलरली यहाँ पे इक्वाटोरियल और यहाँ पे एक जेल आ जाता है। अब इसी को अगर हम बाउंड करें फर्दर, अगर हम इसको बाइंड करके देखें तो आप देख सकते हो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, राइट, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। अब फर्दर वो जब ये वापस इसमें कन्वर्ट होएगा तो ये फिर से ओपन अप हो जाता है, राइट, ऐसे करके। और अब आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो कि जो बॉन्ड्स एक्सियल पे थे अब वो इक्वाटोरियल पे आ चुके हैं एंड जो इक्वाटोरियल पे थे वो एक्सियल पे आ चुके हैं, ये देख सकते हो आप। देखो ये दोनों ने अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर ली। तो यही चीज होती है बेरिसियड रोटेशन में, इस पूरे के पूरे फिनोमेना को, जहां पे हम ट्राइकोनल बाय पिरामिडल को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके। सो फर्दर इसके आगे अगर मैं इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, राइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करना चाहूंगी, सो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम छोटी सी कंडीशंस देखेंगे। देखो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर देंगे, राइट, इस तरह से मैंने ग्राफ को प्लॉट कर दिया। अब ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, ये ग्राफ सिंपली कुछ चीजें इंडिकेट करता है, क्या, ये तो हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ओके, ये हो गया हमारा टाइम। अब ये वाला जो पोजीशन है दिस इज ट्राइकोनल बाय पिरामिडल वन, वन क्यों लिखा मैंने, बिकॉज दिस इज फर्स्ट ज्योमेट्री एंड दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल मतलब यहाँ पे ये शेप है एंड यहाँ पे ये शेप है उसी मॉलिक्यूल की। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हो जाएगा TBP2, TBP2 मतलब यहाँ पे भी ट्राइकोनल बाय पिरामिडल ही है, बस डिफरेंस क्या आया कि पहले मान लो यहाँ पे एक्सियल यहाँ पे इक्वाटोरियल बॉन्ड था, अब क्या हो गया यहाँ पे इक्वाटोरियल यहाँ पे एक्सियल आ गया, मतलब जो आपका बॉन्ड है ये वाला, ये हमने देखा बेरिसियड रोटेट करते करते इंटरचेंज होता है। सिमिलरली यहाँ पे फिर से ये स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये चलता रहेगा, यहाँ पे फिर से TBP1 आएगी, फिर से यहाँ TBP2 आएगी एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड यहाँ पे हमारा वापस स्क्वायर पिरामिडल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ विच रिप्रेजेंट बेरिसियडो रोटेशन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेरिसियड रोटेशन फ्रेंड्स। सो आई होप आपको मेरी ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा, इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में हमने पढ़ा हुआ है प्लस क्लासेस में।